हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरजीत सिंह। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बोश के टूल के बारे में। तो ये टूल आया था हमारे पास, हमने मंगवाया इसको, तो आपको टूल दिखाएंगे पूरा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये टूल मंगाया था मैंने, आपने ऐसे टूल बहुत देखे हैं, पर जो बोश की क्वालिटी है वो एक अलग लेवल है उसका। आप दिखाते हैं, देखिए ये बोश का ओरिजिनल टूल है। आपने सब ने ये टूल देखा भी होगा वैसे, और हम आपको ये खोल के दिखाएंगे, इसकी जो अनबॉक्सिंग वो करेंगे। तो सबसे जो आपने मार्केट में टूल देखे हैं, अलग अलग टूल आते हैं, पर जो इसकी क्वालिटी है वो अलग ही है। इसमें कोई लीकेज वगैरह कुछ नहीं आता, अगर आप इससे इंजेक्टर चेक करोगे तो। आपको खोल के दिखाते हैं पूरा, पहले इसको खोल लेते हैं। इसमें लगा के इंजेक्टर चेक करोगे तो कोई भी लीकेज वगैरह नहीं आती, और इसकी जो क्वालिटी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। और बाद में जो इसकी लाइफ है वो सबसे ज़्यादा लाइफ इसी की है मेरे ख्याल से, क्योंकि काफ़ी टूल मैंने यूज़ किए हैं, तो जो इसकी लाइफ है वो किसी के जैसी नहीं है। तो देखिए, ये अडाप्टर है बोश का ओरिजिनल। मेरे पास पहले भी था, 2017 से मेरे पास था, तो वो अभी जाके ख़राब हो गया, वो भी कुछ गलती के कारण ख़राब हो गए हैं। तो ये नया मंगवाया था मैंने, आप देख सकते हो इसमें 369, 568 और अपना 1231 और अपना 123 जो 123 नंबर आते हैं, ये इंजेक्टर चेक हो जाते हैं, आप देख सकते हो। इसके लिए मेरे पास जो पुराना था, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये पुराना जो अडाप्टर है मेरे पास 2016 मॉडल में आया था ये, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसमें जो दिक्कत आई है, इसके थ्रेड होता है जहाँ पे इसकी मेन पाइप लगती है, यहाँ पे देखिए इसका जो थ्रेड है वो ख़राब हो गया अंदर से। वह क्या, हमारे लड़के ने इसको ज़्यादा ओरकन में लगा के ज़्यादा टाइट कर दिया, जिसकी वजह से इसका अंदर का जो थ्रेड था वो निकल गया है बाहर, जिसकी वजह से ख़राब हो गया है। तो इसलिए मैंने नया मंगवाया। जो इसकी क्वालिटी है वो अलग ही लेवल है उसका, एक आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर आपको चाहिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से उसको मंगवा सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है मैंने। आपको कैसा लगा अडॉप्टर कमेंट करके जरूर बताएं।